अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं यूएक ब्लॉग्स में आपके साथ लेकर आई हूँ पोटैटो फ्रेंच लोफ की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और बहुत यमी बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसीलिए हम उनके लंच बॉक्सेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक वन बॉयल मैश पोटैटो ले लिया था। उसको मैंने पील किया, छीला, क्यूब्स करे, उसको बॉयल कर लिया। फिर मैंने इसमें हाफ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर डाले, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला और फिर मैंने इसके अंदर मेयोनीज डाला, जो कि 2 टीस्पून था या अप्रॉक्सीमेटली आप 1 टेबल स्पून भी कह सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केचप डाला एंड देन मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया इस मिक्सचर को। और ये मिक्सचर ऐसा है कि अगर आप एक रात पहले भी बनाकर बच्चों के लंच के लिए सुबह के लिए रख रहे हैं तो बहुत आसानी से आप ये बनाकर पैक करके एयर टाइट में फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अंदर आप श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स को और ब्लैक पेपर को, सॉल्ट को, आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैंने इसको साइड पे रख दिया और अब मैं लूँगी फ्रेंच लोफ, जो कि फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं, इसको फ्रेंच लोफ भी कहते हैं। और इसकी मैं कटिंग करूँगी। आप कटिंग चाहे तो रेक्टेंगल शेप में भी कर सकते हैं, चाहे तो डायगनल भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छा लगा, ऐसे इजी लगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग शेप में कट कर लिया। इसको कट करने के बाद मैं सेंटर से इसको हाफ कर दूंगी। आप चाहें तो इसको गार्लिक ब्रेड की तरह भी बना सकते हैं स्लाइसेस में। अब मैंने इसको हाफ कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई करूंगी। अच्छा, बटर अप्लाई करने का जो स्टेप है वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बटर अप्लाई करने से ब्रेड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, सेंटर पार्ट उसका बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और अगर किसी के पास फ्रेंच लोफ नहीं है, फ्रेंच ब्रेड नहीं है, तो आप लोग ये नॉर्मल ब्रेड पर भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता है। मैंने नॉर्मल ब्रेड पर भी बनाया है इसे। और अगर आपके पास बटर नहीं है या आप बटर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इस पर ऑयल से हल्की सी ब्रशिंग भी कर सकते हैं। Thank you.
अच्छा मेरा बटर अनसॉल्टेड था तो मैंने पोटैटोज़ के अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है। अगर आप सॉल्टेड बटर लेते हैं तो आप अपने पोटैटोज़ में सॉल्ट की क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं इन ब्रेड पीसेस पे पोटैटो का जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो अप्लाई करूँगी, वो स्प्रेड करूँगी अच्छे से। अच्छा जी, अब मैं इन ब्रेड पीसेस के ऊपर चीज़ स्लाइसेस को स्लाइस करके उसको कट करके स्प्रेड कर दूंगी इवनली। मैंने टोटल दो स्लाइसेस लिए थे चीज़ स्लाइसेस, बेसिकली ये चेडर चीज़ है। आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो जो है दूसरी चेडर चीज़ हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें दो तरीके की चीज़ यूज़ करी है, एक चेडर चीज़ यूज़ करी है और एक मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है। और मेरे पास चीज़ स्लाइसेस थे चेडर चीज़ के तो मैंने चीज़ स्लाइसेस ही यूज़ कर लिए। अब मैं इसमें श्रेडेड मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप दोनों चीज़ चेडर और मोज़रेला यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक चीज़ यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास श्रेडेड थी मोज़रेला तो मैंने वही यूज़ करी है और मैंने उसको अच्छे से टॉप कर दिया है मोज़रेला से, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं अगर चीज़ अच्छे से उसके अंदर डाली जाए, और च्यू करने में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर रेड क्रश चिलीज, जिसको हम लाल कुटी हुई मिर्चें कहते हैं, वो स्प्रिंकल करूँगी बिल्कुल लाइट से। आप नहीं करना चाहें तो आप ना भी करें। और साथ में मैं इसके ऊपर ऑरिगैनो जो है वो भी स्प्रिंकल करूँगी, अब पिंच बिल्कुल थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा अरोमा देती हैं। अब मैंने इसको बेकिंग ट्रे पे प्लेस कर दिया है। ओवन मेरा प्री हीट है, 240 पे मैंने प्री हीट किया था ओवन को, लेकिन मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पे ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करना चाहते हैं तो आप माइक्रोवेव में भी इसको बना सकते हैं, बस जब तक आपकी इसमें चीज़ मेल्ट हो जाए दैट्स मीन्स कि माइक्रोवेव में रेडी है। We'll be right back.
अच्छा जी, ये मेरे पोटैटो फ्रेंच लोफ रेडी हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से, आउटर बहुत क्रिस्प है, इनर सॉफ्ट है क्योंकि हमने इस पे बटर अप्लाई किया था। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।